दिल्ली में वोटिंग होने वाली है ठीक दो दिन बाद, और सात सीटों के संग्राम में स्वाति मालेवाल के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, सात सीटें दिल्ली में आती हैं, श्रीलंका से ज्यादा आबादी दिल्ली की है। इस दिल्ली से ये तय होता है, और पिछले तीन दशक के अगर आप नतीजों को देखेंगे तो ये तय होता है कि देश में कौन सरकार बनाएगा। दो बार से लगातार सात सीटों पर दिल्ली में बीजेपी जीत रही है, बीजेपी की सरकार है। 2009 में सातों सीटें आई थी कांग्रेस के झोली में, और कांग्रेस की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी। उससे पहले भी सरकार बनी थी जब कांग्रेस पार्टी की, तो यहां पर छह सांसद कांग्रेस के हिस्से में आए थे। दिल्ली यह तय करती है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहां पर मौजूद छात्र और जो सरकारी दफ्तरों से निकलकर यहां पर पहुंचे, एक बार उनका भी नजारा दिखा दीजिए। सब अपने अपने मेट्रो की तरफ जाने से पहले यहाँ शो में आके खड़े हो गए हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। सवाल जितने लोग पूछे उतना अच्छा। कुछ ही देर में गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के आएंगे। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विधायक आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी यहाँ पर जुड़ गए, तालियों के साथ राजेश गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के, आज जोश अच्छा आप लोगों में, आज लगता है सूरज की ताप थोड़ी कम है। अच्छा इनके लिए तो बड़ा अच्छा है, इनके पीछे सूरज है, हम लोगों को एकदम सूरज से नजरें मिलाकर आज सवाल करना है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मोर्चा वो संभालेंगे जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से, लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि स्वाति मालेवाल के मुद्दे पर बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उल्टे प्रश्न दाग रही है। पहले ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में स्वाति मालेवाल से बदसलूकी का शोर है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर चौतरफा वार कर रही है, पार्टी के दिग्गज रोड शो और रैलियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। शीश महल तैयार करा लिया, और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लाख घूसों से मारा गया, और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लाख घूसे चलाए हैं, मारे हैं, बिना लोकलाज के, बिना लोकलाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोकलाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोकलाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे बहन भाई, कहा मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, उनके घर में उनके राज्यसभा की सदस्या के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो कंप्लीट 4 डेज चुप रहते हैं, उनकी चुप्पी उनको बेनकाब करती है और उनका दोहरा चरित्र सामने आता है, और इसके साथ साथ अब वो इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सच्चाई है कि उनके कर्म उनको यहाँ तक ले आए। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी स्वाति मालेवाल को लेकर बयान जारी किया, लिखा कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करती है, एलजी के बयान के बाद सियासत और तेज हुई। महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, ये सब तो इनके दावे थे, और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। जो स्वाति मालेवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालेवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है, और आज जब एलजी साहब जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है, तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है, ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालेवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। एलजी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर स्वाति मालेवाल बिफर गई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी को हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए।
मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद होगा बहुत साल पहले स्वाति मालीवाल जी कहीं रात में एक मेन रोड पे खड़ी थी और उसमें एक आदमी ने इनको अपनी कार में खींचने की कोशिश की। इन्होंने ट्वीट भी किया, वीडियो भी डाले। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया? दिल्ली पुलिस ने SIT बनाई? दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा? कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी मजाक और बना रही थी। इस बीच इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने कह दिया कि और भी दूसरे बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस विषय पे जो आम आदमी पार्टी कह दिया उससे ज्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे इतने बड़े बड़े विषय है, इतने बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, किसान के हालत, नगर के हालत वगैरह, तो उसमें तो भाजपा चाहते हैं कि हम दूसरे विषय पे जाके चर्चा करते रहे। वो मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप शशि थरूर साहब से एक चीज पूछिए, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में काम किया, क्या आप कहेंगे कि इस मुद्दे की जो इम्पोर्टेंस है इसको आप डाउनग्रेड कर रहे हैं? बिकॉज स्वाति मालीवाल इज इम्पोर्टेंट और डिग्निटी ऑफ वुमेन, दे ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स हु सेड दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू। स्वाति मालीवाल पर सियासत के बीच पुलिस की जांच तेज है। आरोपी विभव कुमार को लेकर पुलिस की टीम मुंबई से लौट आई और उनके फोन से जुड़े डेटा से सबूतों की तलाश करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मसले पर चुप्पी साध ली है, लेकिन जब उन्होंने मनोज तिवारी के खिलाफ रिंकिया के पापा बोलकर चुनाव प्रचार किया तो बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछ लिए। नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बेटी, रिंकी तो बेटी का नाम होता है, तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों नहीं हराना चाहते हैं? जो आया है यहाँ चुनाव लड़ने, जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार मुकाबला दोतरफा है। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है तो दूसरी ओर बीजेपी। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि केजरीवाल को प्रचार के लिए वो जमानत मिली है, उससे फायदा होगा, लेकिन लगता है स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने मुसीबत में डाल दिया है आज तक क्यों। पहला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे, माइक उठाइए और बताइए कि स्वाति मालीवाल का आपने सुना, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपको याद दिला रही है कि पहले भी स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ था, तब आपने साथ क्यों नहीं दिया था? क्या आज वो सीधा मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, इसलिए आप 7 सीटों को टारगेट करने के लिए इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं? गौरव जी देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर अरविंद केजरीवाल की बुद्धि, जिसमें बुद्धि छोड़ के सब कुछ है, ये मानते हैं कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा केवल 7 सीटों पे असर डालेगा, तो मैं ये बता दूं ये हर सीट पे असर डालेगा और ऐसा करारा जवाब मिलेगा। रिंकिया के पापा कर रहे थे ना, जनता कह रही है रिंकिया के पापा को दे देंगे वोट, लेकिन भ्रष्टाचारी अब्बा ये जो घूम रहे अरविंद केजरीवाल, इनको वोट नहीं देंगे, कसम खाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अंजना जी आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री, उससे पूछा गया तुम्हारी पार्टी की नेत्री सांसद उसके साथ बदतमीजी हुई है, ऐसे थर थर खापे, बाइक हटा दियो, अकेले बाबा आप आ जाओ, अरे शर्म नहीं आई? मैं कहना नहीं चाहता, अगर आपके परिवार की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या अरविंद केजरीवाल यही करते? नहीं, तब तो कहते देखिए क्या हो गया। और सबसे दुख की बात क्या है, आतिशी मार लेना सामने आई, कहती क्या है, महिला के कपड़े नहीं फटे। भाई अगर कपड़े नहीं फटे तो कोई इज्जत नहीं गई, ऐसी दरिंदगी वाली सोच को हमें खत्म करना है। और दिल्ली में सातों की सातों आएंगी, पंजाब में भी आप देखेंगे, पापी आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बात मैं और कहूं, आज कांग्रेस की भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी
अब्बा जब्बा गब्बा इनको खुद नहीं पता कर क्या रहे हैं, इनसे ये पूछेंगे इनकी सीटें कितनी आएंगी, कहेंगे भाई भाजपा की 200 से कम आएंगे। अरे भैया भाजपा को तो जनता जिता रही है, 400 पार कर देंगे हम, आपकी नैया कौन पार करेगा ये बताओ। और आज शशि थरूर बोले, आई डू नॉट कॉमेंट ऑन गॉसिप्स। स्वाति मालीवाल की इज्जत गॉसिप हो गई, लेकिन प्रियंका वाड्रा मेरी बहन है, उनकी तरफ अगर कोई गलत नजर से भी देखे तो ये यकीन है भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी जैसे स्वाति मालीवाल के साथ। विधायक जी माइक उठाइए। एक महिला की कंप्लेंट है, पुलिस में कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट की जांच होने के पहले ही आपकी पार्टी के एक महिला मंत्री बैठकर कह देती है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही है, वो बीजेपी। एक महिला के खिलाफ कोई भी मामला हो, मुझे पता है आप पहलवान बेटियों का मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दा भी आज तक ने उतनी ही तेजी से उठाया था और यहीं से मैंने कई शोज किए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपकी पार्टी इतना गलत रुख अपनाए। जांच तो होने देंगे ना, या जांच वांच सब अब मुख्यमंत्री आवास पर होता है? देखिए अंजना जी, जांच को ना तो कोई रोक रहा है ना कोई रोक सकता है। जितने बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे थे उसकी फुटेज आपने भी देखी, दुनिया ने देख ली है कि स्वाति जी वहां बाहर आई जा रही है। 3 दिन तक कोई एफआईआर कर, उन्होंने खुद नहीं कराई, वो थाने गई थी उसके बाद नहीं कराई, एमएनसी उन्होंने 3 दिन नहीं कराई। अब उसके बाद में 4th दिन जो कुछ भी हो रहा है सीधे सीधे पता लग रहा है कि किसके षड्यंत्र पे हो रहा है। कल वो एलजी साहब से भी मिलनी, जिन एलजी साहब को वो लगातार कह रही थी कि दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं, जिन एलजी साहब ने महिला आयोग की सभी लोगों को हटा दिया, महिलाओं को जो लड़कियां वहां काम कर रही थी, और उन्हीं से जाके मिलनी। तो साफ साफ पता लग रहा है कि कैसे मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जानती है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में देखना इनका क्या होने वाला, पंजाब की तो बात ही छोड़ दो आप, और दिल्ली के अंदर तुम्हारे 7 जन्मों में कुछ नहीं हो रहा, जो तुम देखते रहो हुआ क्या दिल्ली के अंदर तुम्हारे सामने, जो ये नया षड्यंत्र लेके आए हैं, क्योंकि इनको ये था कि अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे जेल के अंदर और ये दिल्ली के अंदर मौज मारेंगे। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के संविधान का, जिसको बदलना चाहते हैं, जो बार बार 400 सीटें कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर भेज दिया। अब इन्होंने नया तरीका खोजा कि कोई ना कोई तरीका तो वापस जाना है, लेकिन जेल नहीं, जब तक जाएंगे तब तक तो प्रचार हो जाएगा ना। एक बार देखिए, चुनाव ही सब कुछ है, चुनाव सब कुछ नहीं है, जनता सब कुछ है, संविधान सब कुछ है, उस संविधान से ही छूटे है ना, जनता सब कुछ है, जनता चुन लेगी, जनता एक बार 25 तारीख को दिल्ली में वोट करेगी, इनको अपने पाप पता लग जाएगा। ये जैसे शब्द बोलते हैं ये पाप वो पाप, इनको सब पता लग जाएगा। जो एक घमंड में जीते हैं ना, 400 पार जा रहे, 500 जा रहे, भैया तुम पता नहीं कौन से पार जा रहे हो, कोई दिखाई नहीं दोगे जो तुम्हारे हालात होने वाले। और इतनी कॉमेडी मत करो गौरव भैया, आप हमारे बड़े भैया, इतनी कॉमेडी मत करो, लाफ्टर शो में बुला लेंगे आपको अंजना जी की जगह, कपिल शर्मा जी के चले जाओ। क्या उत्तर दे दूंगा, सीरियस मैटर है, छोटा सा जवाब देने से पहले, अगर औरत आपकी पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट करे तो वो बीजेपी के हाथ का मोहरा कहलाएगी। आपको खुद जरा भी हिचक नहीं हो रही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले? देखिए, ये मेरे सम्मान को चोट पहुंचाता है। नहीं। कोई भी महिला, कोई महिला 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी कंप्लेंट कर सकती है। विधायक जी, इस देश का कानून तो समझिए, उसको जब हिम्मत आए, जब वो समझे, जब वो हिम्मत जुटा सके ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की, वो तब कंप्लेन कर सकती है। आजादी उसको देश का कानून देता है। सवाल करा, मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, 50 साल बाद कोई कर ले, जितेंद्र के खिलाफ पता नहीं किस लड़की ने कर दी थी, तो वो 70 साल के थे। मेरा ये मानना जांच हो रही है, हम रोक तो नहीं रहे। आज विभव कुमार को उठा के बॉम्बे लेके गए हैं कि फोन फॉर्मेट कराए, जहां पर फोन फॉर्मेट आप भी करते हो कि लाखों मैसेज आते हैं, आदमी करता है भाई, हैंग होने लगता है, नेताओं के पास बहुत फोन आते हैं, इसके अंदर बॉम्बे लेके जाएंगे, वह फॉर्मेट क्या निकालेंगे? मुंबई काहे को ले गए? आपने मुझे कहा, आपके सामने आपकी टीवी पे चल रहा है, आपने ब्रजभूषण सिंह जी के लिए कहा, बेटे को टिकट दे दी, कितने डरे हुए थे, इनको दूसरा आदमी नहीं मिला पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, बेटे को टिकट दिया, कितने घबराए हुए लोग हैं, देखिए रवन्ना के ऊपर इनके मुंह से गुठली बाहर नहीं आती। दो प्रश्न है, दोनों का जवाब। एक तो ये जो विभव सिंह को लेकर इधर, कभी विभव कुमार को मुंबई लेके पुलिस जा रही है, मुंबई काहे को ले गई है? दूसरा, वो कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं, लेकिन उसके बेटे को तो टिकट दे दिया, कोई नहीं मिला आपको कैसरगंज से टिकट देने के लिए? गौरव जी को लड़वा लेते, इतने बढ़िया आदमी है, आप लड़ लो वहां जाके। मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बढ़िया आदमी कहते हैं, काश मैं भी अरविंद केजरीवाल के लिए। मैं आपको मौका दूंगी, काश मैं भी अरविंद केजरीवाल के लिए कह सकता बढ़िया आदमी है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं। और मैं आपको बताता हूं, महाभारत में दुर्योधन था, दुर्योधन ने दुशासन से कहा द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। आधुनिक युग में दुशासन तो विभव कुमार है, लेकिन दुर्योधन कौन है जनता जान गई है, वो अरविंद केजरीवाल है। और क्यों है? विरोधाभास देखिए, संजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं इनकी, पापी आप पार्टी के, उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ,
आतिशी माल लेना आके कहती है लेकिन कपड़े नहीं फटे हैं। अब आप पहले तय कर लीजिए कि कौन सही है, संजय सिंह या आतिशी माल लेना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई कॉमेडी कर रहा हूं, चेहरों पे मुस्कान देना हाँ। कोई हंस दे बुरी बात नहीं है, लेकिन आपसे कहूंगा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो है? और अरे माइक अभी बाकी जी माइक उठाइए। अच्छा और एक हाँ, बात पे अंत करूंगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इनका आएगा अंडा 2014 में 2019 में दिल्ली में सातों की सातों सीटें अगर किसी ने जीती तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार भी सातों जीतेंगे, 400 पार करेंगे, ये अपनी सीट नहीं बताएंगे, हम डंके की चोट पे कहेंगे मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले। अजय उपाध्याय जी मोर्चा संभालिए। जब शशि थरूर कहते हैं कि अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, 1 से 10 पर आपकी पार्टी कहाँ आंकती है, महिला सम्मान को कहाँ पर आंकते हैं आप, 1 से 10 पर कहाँ डाला जाए या 10 से भी बाहर है? हमारी पार्टी सदैव महिला सम्मान के लिए, चाहे वो जंतर मंतर की बेटियों पर जब अत्याचार इनकी पार्टी इनकी पुलिस कर रही थी, सरयाम सबने देखा, उस समय भी हम साथ खड़े थे। हमने सियासत के लिए महिला सम्मान की बात नहीं की, ये सियासत के लिए सिर्फ करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, सबने देखा देश में क्या हालात थी, आज तक मोदी जी न कोई कुछ बोल पाए न मणिपुर जा पाए। बृजभूषण जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बात करते हैं, पूरा देश देख रहा है कि कैसे उनको ये संरक्षण देते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, और सिर्फ सियासत के कारण। हाँ, बात जरूर लंबी लंबी करेंगे, ये जानता है लोग, बाबा साहब संविधान जिनको नहीं है न्यारा, 400 पार का वही दे रहे हैं नारा। आज जिस तरह की बात है सबको पता है, गाली गलौज पर उतर आए हैं, दंगा इनका मात्र एक ही सहारा है। जिस तरह से पांचवें चरण में चुनाव हुआ, पांचवें चरण के बाद जो हताशा और निराशा दिख रही है, अभी लोग नौटंकी भी करने लगे हैं। सीटें कितनी महामंडल महामंडली में ज्वाइन कर लीजिए, सीटें बता दूंगा आपको, सीटें आप नहीं बता पाओगे, राहुल को इटली जाना पड़ेगा, वहां पे बताएंगे। 4 जून को मोदी जी झोला लेकर के विदेश भागने की तैयारी में है, और जो आप इतना घमंड में है, घमंड में मत रहिए, नफरत का जनता बोल रही है, नफरत का बंद कर दो धंधा, मोहब्बत करने वालों से मत लो पंगा। क्यों बोला? 10 सेकंड रिंकिया तो देश में किसी का भी नाम हो सकता है, रिंकी तो आम नाम है, रिंकिया के पापा को खुद ही गाना गाते थे ना, उनके गाने पर एक व्यंगात्मक शैली में उन्होंने कुछ बात रखी है, राजनीतिक मर्यादा उन्होंने ख्याल रखा, इनके तरह नहीं है कि आए दिन भाषा की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं, आए दिन नफरत फैला रहे हैं, हताशा निराशा में बौखलाहट और छटपटाहट मोदी जी की और भाजपा के लोगों को भी दिख रही है, यहाँ इनके प्रवक्ता की भी, और देश में मोदी जी और उनके जो रंग मैं तो कहता हूँ रंग ज्यादे हैं, आजकल झूठ ज्यादे हैं, वो झूठ ज्यादे जो है सबसे ज्यादा झूठ ज्यादा क्या होता है, इतने ज्यादा रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, आए दिन कभी कभी 400 पार का नारा देंगे और अचानक जो है आप अपना दे दो 11 पार होगा, 11 पार आने लगती है चुनाव में, ये भी नहीं बता पाएंगे कितने बच्चे, हमने पूछा था कितने बच्चे हैं, आप लोगों का वोकैबुलरी बढ़ के जाएगा यहां से, एक और नया शब्द आप लोगों ने सीख लिया। अरे भाई कम से कम झूठ ज्यादा से देश का सहजादा ज्यादा अच्छा है, सहजादा ने अपने परिवार मालीवाल के मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है एनडीए की तरफ से क्योंकि 7 सीटों पर टारगेट करना है, वोटिंग करीब है। नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है, इस देश में यदि कोई राज्यसभा सदस्य है वो महिला है, पहली बार चुनकर संसद पहुंची है, आम आदमी पार्टी की ही बहुत पुरानी साथी रही है और अरविंद केजरीवाल जी के एनजीओ में भी काम करती थी और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा है, उस पर यदि कोई हमला हो जाता है मुख्यमंत्री के घर में, वो मुख्यमंत्री जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए गला फाड़ फाड़ चिल्लाता रहा, दिल्ली पुलिस मांगता रहा, बसों में मार्शल नियुक्त करता रहा, महिलाओं के लिए बस में फ्री टिकट का भी इंतजाम किया, वो मुख्यमंत्री निर्लज्जता से इतना खामोश बैठा है स्वाति मालीवाल के मसले पर, अगर ये भाजपा के किसी नेता के घर में हो जाता ना तो यही विजय चौक पे वो धरना दे करके बैठ जाते। ये मुख्यमंत्री की निर्लज्जता समझ आती है कि वो पूरा का पूरा मसला कोई खाल में ऐसा है, कोई पाप उसमें ऐसा छिपा है, आखिर स्वाति मालीवाल पर हमला क्यों हुआ। एक बात इनकी मान लेते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, कि बृजभूषण शरण सिंह
मणिपुर, बहुत सारे मुद्दे पे भाजपा खामोश रही, आप तो चिल्लाते रहे ना। मणिपुर पे बोला स्वागत है आपका, ब्रिजभूषण सरन सिंह पे बोला बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप संदेश खाली पे क्यों चुप हो गए, आप स्वाति मालीवाल पर क्यों चुप हो गए? इसका साफ मतलब है महिला के प्रति जो हिंसा हुई आपकी पार्टी ने की, उस पर आपका सेलेक्टिविज्म है। प्रियंका गांधी राधिका खेड़ा पे चुप हो गई, अभी आप बोल रहे थे ना ब्रिजभूषण सरन पार्टी, आपको कह दें राधिका खेड़ा शोषण पार्टी। महिलाओं का शोषण अगर किसी भी दल में कहीं भी हो, उसके खिलाफ एक आवाज तेज उठनी चाहिए, उस पर निर्लज्जता नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन में आए हैं आप लोग एक दूसरे को, ठीक है 30 सेकंड, एक बात समझिए कि अगर पुलिस काम कर रही है, अदालत काम कर रही हो, देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था एम्स ने सबूत दिया कि स्वाति मालीवाल पर इनर इंजुरी है, तो उसके बाद तो कुछ बच नहीं जाता। चिंटू प्रवक्ताओं को लगाए हुए स्वाति मालीवाल को बदनाम करने की, ये बदनाम करने की जो महिलाओं को साजिश है वो चिंटू ही है, बदनाम करने की जो ये साजिश है जवाब देगा। अच्छा ये पेपर में लिखेंगे तो टीचर चिंटू को क्या? रिंकी पे एक बात कहना है, इस देश में करोड़ों लड़कियों का नाम रिंकी होगा, गांव से लेकर शहर तक। पंचायत वेब सीरीज की एक लड़की जो है एक्ट्रेस है, उसका नाम रिंकी है। उसमें ये रिंकिया का पापा कह करके तंज किया है उन्होंने, उनका हंसी और मजाक उड़ाया है, उसका जवाब दिल्ली की जनता इस मामले में देगी। और स्वाति मालीवाल को न्याय के लिए वोट यहाँ जरूर पड़ेगा। कन्हैया कुमार के लिए उन्होंने रिंकिया के पापा पूर्वांचलियों का कहीं दिल तो नहीं दिखा दिया कांग्रेस पार्टी, दुखा दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कन्हैया उम्मीदवार। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है, इस पर भी जवाब दीजिएगा। म्यूचुअली एक दूसरे को आप लोग अब सपोर्ट करते हैं, राधिका खेड़ा का इशू हुआ तब आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया, अब जब स्वाति मालीवाल का इशू हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ रहा है, तो महिला वाले पे तो आप लोग कम से कम एक सुर में बोलिए। अंजना जी ये जो बोल रहे हैं पलटोराम पार्टी के, इनको बोलते हुए डर तो ये लगता है, मैं अभी बोल रहा हूँ पता लगा के, अरे भैया रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, तुम्हारे बीच में बोले नहीं, बोले नहीं, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बंगला को चिंटू प्रवक्ता चिंटू प्रवक्ता तुम ही हो। सुनो जब अभी क्या हुआ, देखिए इनको क्या बोले, हो सकता है सूरज ढलने से ढलने से पहले पता लगा नीतीश कुमार जी, फिर हमारे पास आके बैठ गए, बोलते हुए तो डर नहीं है। 18 महीने की एवरेज नीतीश कुमार जी की, 18 महीने में इधर उधर कूदते रहते हैं, एक एक पूछे उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए आगे सुनिए, पूरी विधानसभा कितनी कैसी जगह होती है, विधानसभा बिहार विधानसभा में क्या क्या बोला था नीतीश कुमार जी ने, मैं उस पर कुछ नहीं बोला था, माफी मांगा उन्होंने, बोली थी माफी मांगने की, छोड़ो माफी मांगा उन्होंने, क्या क्या बोला था तुम्हारे को, शर्म करो क्या क्या बोला था, चला दिया जाए तो लोग सुन नहीं पाएंगे तुमने क्या क्या बोला था, अरे माफी मांगा उन्होंने, तुम माफी मांगते रहो, भगवान जगन्नाथ का मजाक उड़ाते हो, माफी मांग ली महिला को क्या क्या तुमने विधानसभा में बोला, माफी मांग ली, झूठ होकर घूम रहे चिंटू को ले जा रहे, चिंटू प्रवक्ता चिंटू प्रवक्ता देखे आपने बारी का अपनी बारी, हम तो नहीं बोले बीच में, तुमने चिंटू प्रवक्ता बोला किसी को, हम बोल रहे हैं ना पूरी की जब बात करें, जब आपके मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करा बिहार विधानसभा में, सबसे पहले बीजेपी लोगों ने आपको क्या क्या कहा, मैं इन्हीं स्टेजेस पर दिखा दूंगा दुनिया भर की, आपको निकाल के दिखाता हूँ आपके प्रवक्ता क्या क्या कह रहे थे उनको, कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, अब खत्म हो जाएंगे, फिर आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अरे जब तुम्हारी 400 पार हो रही है भैया, तो तुम्हें नीतीश कुमार के पैर पकड़ने की जरूरत है, अजीत पवार के पैर पकड़ने की जरूरत है, हिमंत बिस्वा शर्मा की तुम्हें जरूरत है। आपने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला था सर, साथ खड़े आप किस मुंह से बोल रहे हैं, आप लोगों ने तो सोनिया गांधी शीला दीक्षित अब नहीं रही, शीला दीक्षित के लिए क्या मिट्टी में धस जाएगा, पैर मिट्टी में धस जाएगा। इशू पर आइए, राधिका खेड़ा स्वाति मालीवाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, इसलिए इन इश्यूज पे चुप रहना है, देखिए ये नॉन इशू है। देखो आप भी एक महिला है, मेरे घर में भी एक बिटिया भी है, और जो इस पार्टी की शुरुआत करी तो मैं आपको बता दूं आप वहां पे थी, मुझे आज भी वो याद है, इस रेल भवन पे भी हम आपके सामने खड़े थे, तब विधायक नहीं थे, उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर हो रहा था तो दामनी वाले केस के ऊपर चल रहा था, और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल इसमें साथ में एक पैरलर चलता था, इसमें स्वाति मालीवाल भी थी, ठीक है ना। अब हुआ यह है कि अभी 2 महीने पहले जिनको राज्यसभा भेजा, ये कह रहे चुनके आए, अभी ये बोले थे जेडीयू वाले चुनके नहीं आए हैं, उनको पार्टी ने भेजा है, उसके बाद में किसी को मोहरा बना के अब उनके ऊपर केसेस है एसीबी के अंदर, उसके ऊपर दबा के जैसे हमारे एक मंत्री को ले लिया, किसी पे ईडी भेज रहे हैं, एसीबी भेज रहे हैं, लोगों को इतना तंग कर देते हैं कि लोग परेशान होकर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद में परेशान होकर ऐसा कर देते हैं लोगों को जाना पड़ता है। जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में अपने रोड शो के लिए पहुंचे हैं। देखिए 2 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है और तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं दिल्ली में, क्योंकि यहां की 7 सीटें बड़ी अहम मानी जाती हैं। हालांकि कहने को सिर्फ 7 हैं, लेकिन यहीं से तय होता है, लगभग 3 दशक से तो यही हो रहा है, जब ज्यादा सीटें जो पार्टी दिल्ली में जीतती है
उसकी देश में सरकार बनती है। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है, रोड शो होने वाला है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा प्रश्न के लिए। एक बात भी जल्दी से एक लाइन में खत्म कीजिए। मेरा ये कहना है, एक महिला आरोप लगा रही है और दूसरी महिला जो आतिशी कुछ कह रही है तो उस पर यकीन क्यों नहीं करा जा रहा? वो भी तो महिला है। अब एक महिला का यकीन करोगे, दूसरी का नहीं करोगे? क्यों? अरे क्या कह रहे हैं आप? राजेश जी, राजेश जी, एक सेकंड, विधायक जी, आप समझ ही नहीं रहे हैं क्या हो रहा है और आप क्या बोल रहे हैं? सोच लीजिएगा तो नहीं बोलिएगा। आतिशी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एक महिला के साथ क्या हो रहा है ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कब कंप्लेन करे, उन्होंने बता दिया। आप क्या कह रहे हैं कि बाकी महिलाएं झूठ बोलेंगी? नहीं, आतिशी ऊपर कैसे बोल सकती है? आतिशी वहाँ मौजूद नहीं थी, उन्होंने बोला, उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है ना। मैं क्या सुनिए, ये चुनाव निकल जाने दीजिए, इसकी बेसिक बातें तो जानिए, कुछ भी बोलिएगा। अंजना जी, ये सिर्फ 25 तारीख तक का खेल है, इन्हें वोटिंग के लिए करना था, उन्होंने कर लिया। चलिए ठीक है, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरी महिला पे विश्वास कीजिए, वो झूठ बोल रही है। दिल्ली में वोट देने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं। मत कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ, छोटा सा जवाब, फिर सवाल। छोटा नहीं हो पाएगा, लेकिन उत्तर सारी बातों का दूंगा। सबसे पहले मोदी जी के लिए आप शब्द कह रहे थे। मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने हमेशा देश हित में काम किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा। मोदी जी ने गाड़ दिया है जीत का खूंटा और भारत जान गया है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं नंबर वन झूठा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी पलटू राम बार बार कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, शरद पवार करप्ट हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करप्ट हैं। एक तस्वीर याद आ गई, ये देखिए शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं। कौन है ये? पलटू राम अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जेल से बाहर आए हैं और 2 जून को वापस जेल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, इन लोगों का विरोधाभास देखिए, अनिल चौधरी जो कि कांग्रेस की स्टेट इकाई के दिल्ली के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो वेलकम है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। आज दोनों खड़े हुए हैं, दोनों लड्डू खा रहे हैं। भगवंत मान ने क्या कहा? भगवंत मान ने कहा थाली का लड्डू ले आए लवली साहब को वापस। हाँ, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, मशीन में साफ होके चले गए, बढ़िया हो गए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, अगर इन दोनों को भी हम लोग गेट खोल दे तो ये दोनों भी आ जाए लड्डू खाने। लेकिन अब मैं बात पूरी कर लूं, महिला पे संदेश खाली मेरे भाई ने बिल्कुल सही उठाया, वहां की महिलाएं भी हमारी बहन है, क्यों नहीं बोले? क्या ये पूछा नहीं जाएगा राजस्थान में 6,310 रेप हुए, क्या सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक बार जबान खोली? नहीं खोली। और मर्दों का प्रदेश है राजस्थान जब इनकी सरकार थी, इसलिए रेप होते हैं, ये बोलते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक गलत है, उन्होंने कहा था बुर्का पहना के अगर महिला को रखोगे तो जानवर से बदतर है। है दम राहुल गांधी में, है दम अरविंद केजरीवाल में, कहे बी आर अम्बेडकर ने कहा था इसलिए ट्रिपल तलाक खत्म किया, सही किया? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आए हैं, जो सही है उसे सही कहेंगे, जो गलत है उसे गलत कहेंगे, गलत को उखाड़ के फेंक देंगे, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। छोटा सा जवाब क्योंकि मुझे प्रश्न है ऑडियंस के लिए। संदेश खाली की बात करते हैं, सही में मुंह तो खोला था इन्हीं का उम्मीदवार रंजन चौधरी के, मेरे भैया खोला था अधीर रंजन चौधरी। नहीं बोलता भाई, बीच में मत बोलिए आप, नाटक नौटंकी बाद में कीजिएगा। तो राहुल गांधी इटली जाके करते हैं भैया, बड़े बड़े नोट ऐसे ऐसी नौटंकी आंख नौटंकी पूरा देश की कैसे नाटक करते हैं। जो ये बात कर रहे हैं संदेश खाली की बात, देखा ना, इनके ही उम्मीदवार हैं। क्या कहा? खाली पेज पर इन्होंने झूठा लिखवाकर यहाँ पे लाकर के लोगों से गवाही दिलवाई है। ये पूरा देश देख चुका है इनका कि महिलाओं पर क्या इनका रुख है। जहां तक बात इन्होंने लंबी लंबी फेंकी है, अरे भाई क्यों नहीं बोलते? फिर चिल्लाना शुरू कर दिए दोनों पिंटू प्रवक्ताओं का हाल है कि तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, तथ्य पर बात करता है। हम लोग का देश की जनता देख रही है। और याद रखना भाई साहब, मोहब्बत के दुकान वालों से मतलब पंगा, देश की जनता कह रही है। मोहब्बत की दुकान वालों से मतलब पंगा,
चार जून को तो जनता कर देगी इनको नंगा। मोहब्बत की दुकान स्वाति मालीवाल पे क्यों बंद हो गई है? नहीं तो प्रश्न स्वाति मालीवाल पर ऊपर जांच हो रही है, पर ये बहुत आगे बढ़ गए। अरे यही जांच जड़ा करा लेती दिल्ली पुलिस। मेरा सवाल ये है, जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया उस निर्भया की लाश को, कि उसकी माँ का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए किए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में, और यही अभी 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 रिसर्च परसों नर्सों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ। ये दिल्ली के अंदर संदेश खाली को आप चलो कलकत्ता में, वहां तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है इस जगह पे? आप दोनों लोगों में बताइए, इसका जवाब ले लेने दीजिए मुझे। खड़े होइए सर। अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनकी उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या? आप जैसे युवाओं पर जिस तरह लाठियां चल रही है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बावजूद, बिहार में जिस तरह लाठियां चलाती है, देश में जिस तरह संविधान बदलने का काम करती है, पूरा देश देख रहा है। तीन चार लेके तो फिर टाइम नहीं मिलता सर, इतनी देर बड़े भाई बोल रहे, सुन लीजिए। मैं एक फौजी हूँ और 71 की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। और मुझे सब कुछ चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए, नंबर एक। नंबर दो गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार हूं। तानाशाही नहीं चाहिए, यह पूरा देश चाहता है सर। इसीलिए उनको मोदी जी से देश क्यों मुक्ति मिल रही है? सवाल सुन लीजिए, क्यों रहा जनता से मत भिड़िए, पूछे सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, जवाब मेरे को चाहिए सर। ये ऐसी आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोल दिया बीजेपी की है, ईडी रेड मारती है पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। और एक सवाल सर, एक सेकंड सर, सुप्रिया सुनिए जी ने सवाल पूछ लिया। सर दो खत्म हो गए, सवाल नहीं चलता है। दो साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लिकर स्कैम कर रही है, अब भूल गए आप उस बात को? देखिए दो प्रश्न है निर्भया के साथ, एक बार दिखा दीजिए निर्भया का चिट्ठी भी दे। निर्भया का प्रश्न कम से कम माता जी ने उठाया और चली गई लगता है। निर्भया के बारे में कम से कम हमने निर्भया कोष बना करके और पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, मोदी जी ने उस कोष को खत्म कर दिया। मैंने 10 सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, आज जब जवाब वो महिला हर किसी के जो उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। और मेरा दूसरा सवाल गौरव जी से, आप बात कर रहे हैं महिला के अत्याचार, आज इलेक्शन है तो महिला के आप हाथरस भूल गए, हाथरस में वो महिला का रातों रात आपने अंतिम संस्कार कर दिया, कोई बात। आप ब्रजभूषा शरण को भूल गए, उनके बेटे को आपने इलेक्शन दे दिया जो वो बराबर यहीं पे धरना देती रही, आप दे दो। मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था? हमारी पार्टी को कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, स्वाति मालीवाल और ब्रेसलर्स प्रोटेस्ट, सारी बातें हो रही हैं, पर आप लोगों ने खुद क्या किया? आप एक दूसरे का डेटा देते हैं कि उनकी पार्टी के समय ये हुआ, उस समय ये हुआ जब वो सरकार में थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना युवाओं के लिए कुछ हो रहा है, ना दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, दोनों साइड से कुछ नहीं हो रहा, वुमेन सिक्योरिटी एजुकेशन। प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मेरा नाम अर्चना है और मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने अपना वादा किया था पेंशन का, जब आप मोनोफेस्टो में थे, फिर आपने अब क्यों बदल दिया कि लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी? अब एक राउंड जवाब देने दीजिए। बहुत सारा नाला चल रहा है यहाँ पे, जरा सुनिएगा। अरे बस जनता को बोले दी, प्लीज मिस्टर पंजाबी, बहुत सारा ना अंदाज में आंसर दे रहे हैं आप लोग। बताइएगा कि जो आप लोग इतना आप सब मुस्कुरा रहे हैं, बताइए देश से गरीबी को हटा रहे हैं, भटक रहे हैं।
चलिए उपाध्याय जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही सवाल आए थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से आगे विधायक। निर्भया कांड की जवाब मैंने दिया है कि निर्भया में किस तरह हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया और ये सरकार जो आई है उसके बजट को खत्म कर दी, न के बराबर कर दी, उसका खर्चा भी नहीं करती। और उनके बच्चों को यदि हमने सहारा दिया, राहुल गांधी जी ने स्वयं सहारा दिया, तो बाद में उन्होंने खुद बताया, हम लोगों ने नहीं बताया। जहां तक बात आपने तानाशाही की है और कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के जड़ को मजबूत करने का काम की है, देश में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, युवाओं के लिए 5 न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की न्याय की बात कर रहे हैं और साथ में श्रमिक किसान मजदूरों की बात कर रहे हैं, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं जो जनता के बीच जाना चाहिए और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने जो 25 गारंटियां दी है उन गारंटियों पर भरोसा, हमने जो अभी 10 साल पहले जो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने काम किया था, आज उसी का फल कहीं ना कहीं इस देश में दिखता है। इस सरकार तो सिर्फ झूठ और हिंदू मुस्लिम और गाली गलौज और हिंसा के नाम पे राजनीति कर रही है, सिर्फ सियासत करना चाहती है, पूरा देश देखा। पार्टी ने क्यों किनारा कर लिया ऐसे स्वाति मालीवाल से जो महिलाओं की आवाज बन रही थी, वो प्रश्न था बच्चे। देखिए कोई जब तक अगर कोई आदमी जब तक ठीक काम कर रहा है उसका साथ देंगे, नहीं करेगा तो उसके साथ कैसे खड़े होंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई पानी नहीं आ रहा तो यमुना के लिए बोल रहे, यमुना यहां से बहुत दूर नहीं है, आप जाके चलिए जिस यमुना में खराब टाइम पे भी 672 का पानी का लेवल होता है, उस टाइम 670.9 है। अब दिल्ली में पानी नहीं आएगा, यमुना नहीं होगी तो हरियाणा में उसको रोक लेते हैं, तो बता ही नहीं पब्लिक को। भरी गर्मी में सारे तरीके बनाते हैं कि वोट इनको पड़ जाए, लोग परेशान हो जाए। आप जाके देख लीजिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जिस किस्म की राजनीति हो रही है, नए भारत के अंदर जो चीजें करने की कोशिश हो रही है, ये युवा को नौकरी चाहिए, काम चाहिए, मुद्दे क्या है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए चीज आई है। अगर इतने काम करें, जब गौरव भाटिया जी बताएंगे हमने इतनी नौकरी दी, इतना कर दिया, रेलवे की हालत देखिए क्या कर दिया, तो वहां पर एक मुखौटा बना दिया। इस देश में लोगों को रेलवे मिनिस्टर का नाम नहीं पता, कानून मंत्री का नाम नहीं पता, सब प्रधानमंत्री जी अपना मुखौटा दिखाए जा रहे हैं, उस काम को करे जा रहे हैं। असली मुद्दे क्या है उस पर बात ना हो, इसलिए बेवजह के मुद्दे बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बच्चों को हंसाया जाता है, फंसाया जाता है, व्हाट्सएप पे झूठी चीजें चलाई जाती है, उस पर फंसे रह जाते हैं, असली मुद्दों से भटकाने की साजिश रहती है। अब बेचारे आम जनता को क्या पता, आपके लिए यहाँ सरकार बनाते हैं दिल्ली में। हाँ अच्छा, तब नहीं फंसते जब आपकी दिल्ली में सरकार बनाते। देखिए जब दिल्ली के मुद्दे पे आते हैं, फिर जब दिल्ली के मुद्दे पे आते हैं तो मोदी जी का चेहरा नहीं चल पाता, जब देश के मुद्दे पे ऊपर आते हैं तो पूरी तरीके से सत्यप्रकाश मिश्र। देखिए केजरीवाल सरकार जब पहली बार आई तो कहा कि 2 साल के अंदर घर घर पानी पहुंचा देंगे, अब ये दूसरी बार उनकी सरकार बन चुकी है, पानी का संकट दिल्ली अब तक जूझता रहा। एक सवाल और समझिए, दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रदूषण पराली जलता रहा, पंजाब में भी इनकी सरकार है, दिल्ली 3 महीना काली होती रही, तो ये सारे नॉन परफॉर्मेंस जो इनके एटीट्यूड हैं, इनका जो मंशा है, तो ये झूठ बोल करके सरकार बनाना चाहते, भाजपा पे आरोप लगाना चाहते। एक सबसे बड़ी बात कि कोरोना के काल में दिल्ली में पूर्वांचल के जितने लोग थे वो पैदल अपने घरों की तरफ चल पड़े, आखिर क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार ने उनको सहारा नहीं दिया, दिल्ली की सरकार ने उनको भोजन नहीं दिया। रुक जाइए, आपके बीच में बोल रहा था, रुक जाइए, कुछ भी नहीं जाइए, विधायक जी प्लीज। ऑक्सीजन केजरीवाल जी का इंटरव्यू था कि ऑक्सीजन दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में है, कोरोना के काल में ऑक्सीजन मोदी जी ने पहुंचाया, केजरीवाल तो फेल हो गए थे, ये है मोदी जी का काम। और बता देते राशन योजना 3 महीने, अरे रुक जाओ यार, अरे विधायक जी रुक जाओ, अरे विधायक जी रुक जाओ, रुक जाओ, अरे विधायक जी रुक जाओ, अरे विधायक जी रुक जाओ, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, राशन योजना को 3 महीने फंसा के रखा कि राशन नहीं पहुंचे मोदी जी का। तो ये जो केजरीवाल जी का झूठा पूरा प्रपंच है वो दिल्ली की जनता अब समझती है, और स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई उससे केजरीवाल का चेहरा पूरा बेनकाब हुआ। चलिए गौरव जी, एक मिनट, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जवाब देना है, एक बात पूछनी है, अभी 6 महीने पहले नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल के उसी ड्राइंग रूम में बैठ के समोसे खा रहे थे, अभी वो हमारे पास वोट डालने के साथ थे, तब एक किसके साथ थे, तमिलनाडु जी के साथ थे, कोरोना में पंजाब में चन्नी जी गाली दे रहे हैं, देखिए पलटू राम दो, पंजाब में चन्नी जी गाली दे रहे हैं, पलटू राम दो, पलटू पलटू पापी आपके प्रवक्ता सेल्फ गोल करने के लिए आए हैं, समोसे की बात कर दी, अरे 4 करोड़ के समोसे खा गया भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल सीएम के हाउस में, तुमने देखा दे? बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, मैं बोला हूं तो बताइए। दूसरी बात मैं बताता हूं, रावत जी ने जो कहा देखिए उस पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा फांसी लग जाए
लेकिन गांधी परिवार को हटाना है। यही भावना जनता में है। और मैं बताता हूं क्यों दिल्ली में यह चर्चा हो रही है। बाटला हाउस में शहादत दी इंस्पेक्टर शर्मा ने, सोनिया गांधी फूट फूट के रोई, सलमान खुर्शीद का बयान है, कहने लगी राहुल तेरा जुड़वा भाई मारा गया है। वो इंस्पेक्टर शर्मा के लिए नहीं रोई, वो रोई किसके लिए? आतंकवादी के लिए। झूठ का बीच में ना बोले, झूठ का मसीन, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपके लिए दर्द हो रहा है, रोने लेकर आया हूं। अच्छा है, मैं दूंगा, मेरे पास दर्द, अच्छा मेरे पास है, ये दर्द अच्छा है। मोदी जी को भी याद है, दर्द है, लेकिन झूठ भी मत बोलो। इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? मोदी जी मशीन है, उस पर आप क्यों चाह रहे हो? उनका यूएस हो गया बेटा, ये मोदी जी को ही रहने दो भाई। आज की दिहाड़ी मोदी जी को 11 रुपए मिलेंगे कांग्रेस हेडक्वार्टर से। दो रुपए वाले ट्रोल को याद आई। चलो अच्छा है, 11 रुपए याद आ रहे। कन्हैया कुमार एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है। कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जब नारे लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, चुप, ये हमारे देश की ताकत है, उखाड़ के फेंकने वाले हमारे जैसों को, कुछ भी बोलोगे, ये दर्द है, माइक उसने तेरे कुमार पे भी अंदर अंदर तक मिर्च लगा प्रकाश, अरे किसको किसको शेर सुनना? चुप हो जाइए, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, एक सेकंड। स्वाति माजीवाल पर केजरीवाल के खिलाफ एक शेर है, आसान नहीं है इंसाफ की जंजीर हिलाना, दुनिया के को जहांगीर का दरबार न समझो। तालियों के साथ इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।